नमस्कार दोस्तों, कीर्ति जायका में आज हम बनाएंगे चॉको चिप कुकीज़, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और आमतौर पे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो चॉको चिप कुकीज़ के लिए हमें ये सामग्री लेनी होगी। तो सबसे पहले हम बटर लेंगे। यहाँ हम बटर लिए हुए हैं। 100 ग्राम बटर को क्रश करेंगे। बटर हम रूम टेम्परेचर का लेंगे और अब इसमें हम मैदा डालेंगे। तो एक कप अर्थात 250 ग्राम और 2 टेबल स्पून मैदा हम लेंगे और उसको छान लेंगे। 1/4 कप शुगर पाउडर। अब हम बटर को उंगलियों की सहायता से क्रश करेंगे और मैदा, शुगर और बटर को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस इसमें मिक्स करेंगे और घुमा देंगे और इसमें हम 1/8 कप मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क अगर कम होगा तो 1 टीस्पून मिल्क इसमें हम और ऐड कर सकते हैं। तो डो की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होगी, एकदम सॉफ्ट डो लगेगा और इसको हम मसल के अच्छे से लगा लेंगे। डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम क्लिंग रैप पे करके तकरीबन 15 मिनट के लिए डीप फ्रिज में रख देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब हम डो को चेक करेंगे। तो डो हमारा रेडी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल कर 1 मिनट के लिए अच्छे से गूथेंगे और जिस प्लेट में हम इसको बेक करेंगे उस पे हम बटर या घी लगाएंगे। अब छोटी छोटी गोलियां तैयार करेंगे। तो इक्वल पार्ट्स में हमने 15 पीस इस क्वांटिटी से 15 पीस चॉको चिप कुकीज़ तैयार की है। आप इस पे हम चॉको चिप्स अप्लाई करेंगे। और सब पे हम चॉको चिप लगाएंगे और जिस पॉट में हम बेक करेंगे उसको हम प्री हीट करेंगे। तो हमने मोमो स्टैंड लिया है, उस पे हम यूज़ किया हुआ नमक यूज़ करेंगे और इसे घुमा देंगे और कवर करके प्री हीट करने के लिए 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें स्टैंड डालेंगे। तो हम यहाँ पे इडली स्टैंड यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर बेकिंग ट्रे रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इस चॉको चिप कुकीज़ के लिए हमें 15 मिनट तक बेक करना होगा। 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हमारा कुकीज़ तैयार हुआ है। इसको हम जाली पर निकाल लेंगे या कूलिंग रैक पे रखेंगे। इस रैक पे भी ठंडा हो जाता है और जाली पे भी ठंडा हो जाएगा। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए पीछे से कितना क्रिस्पी, कितना टेस्टी हमारा कुकीज़ तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको अपने घर पर आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही थोड़े से सामग्री में हमारा ये कुकीज़ तैयार होता है और कितना ही टेस्टी बना हुआ है, बहुत डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, इसको घर पे बनाइए और लाइक करिए मेरी इस रेसिपी को।